तो आज हम बात करेंगे IDBI बैंक के स्टॉक के बारे में। IDBI बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको जो ये स्टॉक है वो लगातार यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको स्टॉक में 14.51% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट जोन के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ से भी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अभी स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशंस में हमारे पास यहाँ पर अभी स्टॉक में 83 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है। देन यहाँ से हमको स्टॉक में 99 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 110 देन यहाँ से हमको स्टॉक है 120 और उसके बाद हमको स्टॉक है 130-140 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशंस में हमारे पास स्टॉक में 76 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ सबको स्टॉक में 71 और 67 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।